ध्यान करिए। अगर नवरात्रि का व्रत एक लोंग पर कर रहा है तो उसको करने दो, कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो, अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो, कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर कलश का। नवरात्र में नौ दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा। नवरात्र में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में देवियों की पूजन में लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता क्या गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमाण बढ़ता है। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहाँ लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है, इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे भराते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्र में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखे हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि। स्थिर बाती गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में, तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है जिससे स्थिरता का भाव केंद्र। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, ऐसे में आप क्या उपाय करें कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो, तो यह आपको इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताया गया है। तो आप कृपया कर वीडियो को पूरा सुने और कमेंट में माता रानी का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें। चलिए चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय है, यदि आपके घर में बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हों, कोई ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत रोग घेर रहे हों, बहुत कष्ट हो, तो नवरात्रि के शुभ दिनों पर किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है, कलश जिसमें जल भर लेना है और उसमें एक बेलपत्र डाल लेना है। यह कार्य आपको शाम को करना है, शाम के समय कलश में जल और बेलपत्र डाल लें और अपने घर के मंदिर में उसे रख दें। फिर सुबह उठकर दूसरे दिन उस कलश को उठाकर आपको चले जाना है नीम के पेड़ के पास और नीम के पेड़ के नीचे आपको उस कलश का जल और बेलपत्र समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट रोग बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। यह कार्य आपको नवरात्रि में ही करना है। हम आशा करते हैं आपको यह छोटा सा उपाय समझ आ गया होगा। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।